क्या आपको भी फ्री फायर का एडिक्शन है? हाँ क्या आप भी फ्री फायर में टॉप अप करते हो? हाँ क्या आप भी फ्री फायर घंटों तक खेलते हो? अरे हाँ भाई हाँ। इसका एक ही सलूशन है, जहर खा लो और सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाओ। तो गाइस कैसे हो यार आप सभी? इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपनी आवाज़ को जो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अब सही है। तो आज मैं कुछ ऐसे चूते किस्म के लोगों की बात करने जा रहा हूँ जिनको फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने पानी में है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके पेरेंट्स को उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, और उनको ये फर्क भी नहीं पड़ता कि आगे जाके उनकी जिंदगी में कितने लोड़े लगने वाले हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई तू ही बता दे क्या फर्क पड़ता है। उनको ये फर्क पड़ता है कि मैं लीक पुश करके प्रो बन जाऊंगा, टॉप करके लोगों को गन स्किन्स और बंडल चमकाऊंगा, क्योंकि इन लोगों को फ्री फायर का जो एडिक्शन लग चुका है, और एडिक्शन मतलब फ्री फायर की लत लग चुकी है, और लत मतलब फ्री फायर की आदत लग चुकी है, और आदत मतलब फ्री फायर को चूतों की तरह घंटों तक खेलना। बिना किसी के कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं कुछ नहीं सुनना, सिर्फ गेम खेलना हमको। तो अब पता ऐसा लगा कि आपको गेम की जो है लत लग चुकी है। देखो आपका भाई है ना, आपको सब कुछ बताऊंगा। तो देखो कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, जिसमें एक एक दो भी पॉइंट जो अगर आपके ऊपर है तो मतलब आपको फ्री फायर का गंदा वाला जो एडिक्शन लग चुका है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ कि अगर आप गेम में टॉपअप ज़्यादा करते हो, मेरा मतलब जैसे कि नया इवेंट आया है आपको, जिसमें गन स्किन आई है, उसको किसी भी तरह वो गन स्किन जो है निकाल लेनी है। अब अगर उस चीज़ के पीछे पागल की तरह किसी भी तरह से डायमंड का जुगाड़ वगैरह करके वो गन स्किन निकाल लेते हो ना, मतलब आपका फ्री फायर का जो एडिक्शन लग चुका है। वैसे टॉप अप करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप अपने खुद के पैसे से टॉप अप कर रहे हो, ज़्यादा नहीं वो भी मंथ में एक बार। अगर आप अपने अपने पेरेंट्स या फिर किसी दोस्त के पैसे उधार लेकर टॉप अप करते हो, भाई संभल जाओ, आपके लोड़े लगने वाले, कसम से बोल रहा हूँ। अभी मैंने एक न्यूज़ देखी थी यार, उसमें एक बंदे ने अपने दोस्त से कसम 50-60 हज़ार रुपये उसने उधार ले लिए, वो चुका नहीं पाया तो उसके दोस्त ने जो है उसका मर्डर कर दिया। गाइस आपने भी ये न्यूज़ तो कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, दोस्त का जो है मर्डर कर दिया। उसका दोस्त भी पता नहीं क्या पागल किस्म का था, उसने उसको इतने पैसे दे भी दिए और वो दोस्त चुका नहीं पाया तो उसने उसका मर्डर कर दिया। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपके 14 साल से कम की है तो आपको तो भाई ये गेम खेलना ही नहीं चाहिए। भाई ये वो जो पबजी है ना, ये आपको नहीं खेलनी चाहिए। जो बैटल रॉयल टाइप की जो गेम्स है ना, ये आपको प्ले नहीं करनी चाहिए। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। क्योंकि इस एज में ना कुछ समझ वगैरह बच्चे में होती नहीं है, उसको माँ बाप उसके फ़ोन पकड़ा देते हैं, और फोन पकड़ाने के बाद वो लगातार गेम खेलता रहता है, ना उसका पढ़ाई में मन लगता ना कुछ होता। पूरे दिन बस बच्चे के दिमाग में ये चलता है कि भाई मैं प्रो प्लेयर कब बनूंगा, मैं रेस स्टार कब बनूंगा, मुझे तो भाई अज्जू भाई जैसे हेडशॉट मारने बंदों के। बस यही उनके पूरे दिमाग में चलता रहता है, फ्री फायर की बातें। बस यूट्यूब पे जब भी यूट्यूब खोला, फ्री फायर का किसी भी वीडियो देखने लग गए। बस ये मैं बता रहा हूँ, फ्री फायर खेलना बुरी बात नहीं है, पर इसका जो एडिक्शन है ना बहुत बुरी बात है। पर आपका भाई है ना भाई, मैं आपको आखिर में बताऊंगा वीडियो की जो ये फ्री फायर की एडिक्शन है इससे कैसे बचे। तो भाई सब मैं आप सभी को मैं थर्ड पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि आप देखो इस ये जो पॉइंट है ना, सबके ऊपर लागू करता है, इसमें उम्र वगैरह कुछ होती नहीं है। तो वैसे इस पॉइंट में गाइस ये सोचो गाइस, जैसे आप कुछ भी काम करते हो या कोई भी पढ़ाई करने बैठते हो गाइस, आपके दिमाग में सिर्फ फ्री फायर का ही सब कुछ चलता रहता है। आपके हाथ में जब भी फ़ोन आता है, आप डायरेक्ट जाके अपनी जो गेम है ना उसको ओपन कर लेते हो गाइस, और लगातार आप 2-3 घंटे आराम से जो गेम को खेल लेते हो। गाइस मैं बताता हूँ, जैसे कि आप देखो 3-4 घंटे आप गेम खेल लो ना, तो वो नॉर्मल है, मतलब लगातार नहीं, मतलब गैप बीच में गैप ले लेकर, जैसे कि आपने 1 घंटा सुबह खेला, 1 दिन में, 1 शाम को, 1 रात में, ये नॉर्मल है। तो एक घंटा का आप गेम खेल लो, वो भी गैप ले लेकर, तो ये नॉर्मल है। देखो गाइस आपने लगातार आपने गेम खेली गाइस 3-4 घंटा, अब लगातार बिना कुछ करे गेम खेले जा रहे हो, बस मतलब आपको एडिक्शन लग चुका है गंदा वाला। गाइस जो फ्री फायर जो गेम है ना, वो इस तरीके से बनाई गई है कि जो लोगों को ना जो एडिक्शन ना लगे, पर पता नहीं बच्चों को पता नहीं क्या एडिक्शन लगे जा रहा है। जैसे कि गाइस मैं फ्री फायर खेलता हूँ ना, 1 घंटा में खेलता हूँ, 1 से 1.5 घंटा ना मैं बोर होने लग जाता हूँ, मैं खुद ही जो गेम को बंद कर देता हूँ। ये होता गाइस मेरे साथ, अगर आपके साथ भी यही होता नीचे कमेंट कर देना गाइस। और जिनके साथ ये नहीं होता तो वो उनके तो एडिक्शन लग चुकी है गाइस, वो लगातार गेम खेल लेते हैं 5-6 घंटे आराम से, फ़ोन चार्ज करा दोबारा उठा लिया, चार्ज करा दोबारा उठा लिया, जब उनको तगड़ी वाली जो एडिक्शन लग चुकी है। अगर आप देखो गाइस, अगर आप ई स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहते हो, अगर ई स्पोर्ट के अंदर हो तो ऐसा आप खेल सकते हो गाइस, बिंदास खेलो, बिंदास जितनी प्रैक्टिस करनी है कर सकते हो, पर आप बिना कुछ करे ऐसे टाइम पास के लिए गेम खेले तो गाइस उसका कोई मतलब नहीं बनता इतना टाइम खेलना। अगर आप कुछ यूट्यूब वगैरह पर कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाते हो तो आप खेल सकते हो,
पर उसके साथ थोड़ा सा पढ़ाई भी करेंगे। ऐसे मैं भी ऐसे मुझे खुद देख लो, ऐसे बहुत ज़्यादा जो मैं कम गेम्स खेलता हूँ। अगर आपका चैनल वगैरह कुछ ज़्यादा ग्रो हो जाए तो आप जो मेन करियर है जो फ्री फायर को बना सकते हो, जब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर आप बिना मतलब के जब गेम खेलते रहते हो तो गाइस ये जो है एडिक्शन बन जाता है। तो आप ई स्पोर्ट के अंदर हो तो आप खेल सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस अब मैंने आपको बीमारी तो बता दिया, अब इसका सोल्यूशन क्या है गाइस? तो गाइस सोल्यूशन भी इसका जो है बहुत मस्त सोल्यूशन मैं बताऊंगा इसका, जिसको आप फॉलो करोगे तो आपका जितना भी जो एडिक्शन है ना सब चला जाएगा। अब उन लोगों का जो एडिक्शन दूर करते हैं जो टॉप अप करते हैं फ्री फायर के अंदर जाके, तो गाइस आपको सिर्फ एक चीज करनी है, जो आपका जो कलेक्शन पैक है ना उसको जाके डिलीट कर देना है। इससे जो आपका जो बंदे को कपड़े और गन्स की चैन आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सब बंदे आपको एक जैसे दिखेगा, इसलिए आपका जो गेम है ना वो गेम प्ले भी आपका थोड़ा सा अच्छा होगा। आपके जो टॉप अप करने की आदत है ना वो आपकी थोड़ी बहुत तो चली जाएगी। तो वैसे आपको एक बात समझाना है, कोई बंदा 80 रुपये का जो टॉप अप है ना आराम से कर लेता अपनी मम्मी पापा के पैसों से, और फिर भी जो 80 रुपये का टॉप अप में सिर्फ 100 डायमंड्स मिलते हैं, किसी भी आइटम को निकालने के लिए मिनिमम 500 जो डायमंड्स है वो लग जाते हैं, और उसकी भी गाइस कोई गारंटी नहीं आपको वो आइटम मिलेगा ही या नहीं मिलेगा। तो गाइस जो गरीब लोग हैं ना आप उनकी हेल्प कर सकते हो उन डायमंड के पैसों से, वो जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह एनिमल्स घूमता है आप उनका भी जो पेट भर सकते हो उन डायमंड्स के पैसों से। और आप खुद समझो गाइस, हम जो फ्री फायर खेलते हैं ना वो एक मोबाइल गेम है गाइस, जो रियल वर्ल्ड जो है अलग है। तो आप खुद सोचो कि एक गेम में पैसे लगा रहे हो गाइस, ये सही बात है गलत बात है गाइस? अगर आप खुद अपने पैसों जो है डायमंड खरीद तो आप बड़े यूट्यूबर हो तो आप आराम से जो टॉप अप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप अभी थोड़े टीनेजर हो ना, 18 साल से जो कम के हैं और थोड़े से भी बड़े हैं, जो अपने पैसे खुद के पैसों से जब आप टॉप अप करोगे ना आपको जो पैसों की ना थोड़ी वैल्यू पता चलेगी गाइस। और गाइस मैं एक तरीका और बताता हूँ, जो आपको ये बात है ना आपको अपनी मम्मी पापा को जाके बताना है कि मैं जो एक गेम है फ्री फायर उसके अंदर मैं 80 रुपये का जो मैं डायमंड खरीदता हूँ, 80 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये का, ये आप बात आपको अपने मम्मी पापा को बता देनी है। फिर आपको क्या चप्पल जूते पड़ते हैं ना, आपकी जितनी भी एडिक्शन है ना सब उतर जाएगी, आपको गेम ही आपकी थोड़ी अब बंद हो जाएगी गाइस। समझ आया आपको? ये थोड़े सा फॉलो करो आपकी जितनी भी आदत है वो सब चली जाएगी, जो जो मैंने बताया टॉप करने का। आपको अपने मोम डैड को बता देना आप फ्री फायर के अंदर टॉप अप ज़्यादा करते हो, आपको इतनी चप्पल जूते पड़ेगी कि आपकी सारी एडिक्शन है वो सब दूर हो जाएगी। तो गाइस अब उन लोगों का बात करते हैं जो फ्री फायर को ज़्यादा ही खेलते हैं, जैसे कि 14 साल से जो 16 साल तक की जो ऑडियंस है, ऑडियंस मतलब जितने भी प्लेयर्स हैं वो सबके सब जो फ्री फायर खेलते रहते हैं पूरे दिन, तो उनके एडिक्शन कैसे भगाए? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जो आपको जो गेम है ना उसको डायरेक्ट जाके आपको डिलीट कर देना है। डिलीट बटन दबाओ और इसे अपने सिस्टम से निकालो। समझ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपका जो गेम है ना उसको डिलीट करना है। फिर डिलीट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप फुटबॉल या क्रिकेट आप जाके पार्क में खेल सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। साइकिलिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें आपको किस बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले साइकिलिंग जो इजीली कर सकते हो। कई जो एक्टिविटीज है ना ये करने से आपको जितना भी जो दिमाग में जो फ्री फायर का जो कचरा भरा पड़ा है ना वो सब आपके दिमाग से निकल जाएगा। गाइस मैं इसलिए ये ट्रिक बता रहा हूँ कि गाइस फ्री फायर गेम इतना बुरा नहीं है, पर आप जब तक आपके एडिक्शन ना छूट जाए ना जब तक आप ये इसको यूज़ करना, आपको फ्री फायर को डिलीट करके जो आपको साइकिलिंग या क्रिकेट या फुटबॉल जाके पार्क में खेल लेना है, इससे जो आपकी आदत है ना फ्री फायर खेलने की वो आपकी तो चली तो जाएगी, आपकी जो बॉडी है ना वो भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनेगी आप सभी की। जो है मैंने लास्ट वाली जो ट्रिक बताई है ना सबसे मस्त ट्रिक है, आपको उन दोस्तों से भी दूर जाना है जो फ्री फायर खेलते हैं, क्योंकि जब भी आप उनके फ्रेंड सर्कल में जाओगे आप वो सब एक दूसरे से फ्री फायर की बातें करेंगे, सबको जो दिमाग है ना फ्री फायर के अंदर ही जाता जाएगा। बस आपको ये सब एक्टिविटी करनी है, और आप मैं 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ ये सब करने के साथ आपकी जो जितनी भी फ्री फायर की जो आदत है ना वो सब छूट जाएगी, और आपकी जो एडिक्शन है वो सब चला जाएगा, पढ़ाई में भी आपका मन आराम से लगेगा। फिर आपका जब एडिक्शन छूट जाए तो आप कभी कभार आप गेम खेल सकते हो बेसिकली। तो गाइस मेरे पास बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है गाइस, इसका मैं दूसरा पार्ट भी बना सकता हूँ अगर आप कमेंट में बोलो तो। गाइस मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है पर वीडियो छोटा है, तो गाइस मैं 10 मिनट के अंदर मैं वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ गाइस। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपका जो दोस्त है गाइस इस एडिक्शन के अंदर जो फंस गया है, जो फ्री फायर जो एडिक्शन है, आपको क्या करना, शेयर का बटन दबाना है, उसको जाके उसका जो लिंक है मेरे चैनल का वो इस वीडियो का जो लिंक उसको कॉपी करके जो वीडियो है उसको आप शेयर कर सकते हो। आप व्हाट्सएप पर भी डायरेक्ट उस बंदे को जो है वीडियो मेरा शेयर कर देना गाइस, इससे उस बंदे की भी हेल्प होगी और मेरी भी हेल्प होगी, क्योंकि मेरे जो चैनल पे नए बंदे जुड़ेंगे।
तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मरेगा तू, लेट्स गो।